नालो आगे चल रही थी 22 जुलाई 1960 से पहले पेज के अंत में बात चल रही थी। बच्चे समझते हैं कि ये राजधानी स्थापन होती है और ये राजधानी सारे विश्व में एक ही ऐसी राजधानी है जो पुरुषोत्तम संगम युग पर होती है और पुरुषोत्तम संगम युग भी और कोई होता नहीं है। जबकि तुम इतने ऊंच बनते हो जो दुनिया में तुम्हारी कोई ग्लानी कर न सके। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं होती है, बाकी 33 करोड़ देवताओं की भी ग्लानी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी ग्लानी करते हैं, शिव बाबा की भी ग्लानी कर देते हैं। लेकिन मैं तुमको अपन से भी ऊंच बनाता हूं, ये भी बच्चे जानते हैं कि ऐसी नई दुनिया कौन रचते हैं। बाप ही रचेंगे, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। माया तुमको बहुत भुलाती है। क्या भुलाती है? ऊंचते ऊंच बाप की याद भुलाई देती है। उनका तो धंधा ये है। क्या है? बाप को भुलाना और दुनियादारी याद दिलाना। ज्ञान में इतना इंटरफियर माया नहीं करती है। याद में बहुत इंटरफियर करती है, आत्मा में बहुत किचड़ा भरा पड़ा है। तो 63 जन्म की किचड़ पट्टी अज्ञानी बनाई देती है। और वह किचड़ पट्टी याद के बगैर तो साफ हो ही नहीं सकती। बच्चे योग से बहुत मुझते हैं, घड़ी घड़ी कहते रहते हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है तुम्हारी तो याद है, याद तो सहज होती है।
जिसको देखा जाता है वो याद आता है, जिससे सुख मिलता है वो याद आता है, तो योग की कोई बात नहीं। क्या करो, सबसे जास्ती सुख देने वाला बाप है तो उस बाप को याद करो। वो तो योग योग कहते रहते हैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल में बाप मिलता तो है नहीं। जब प्रैक्टिकल में साकार में मिलेगा नहीं तो उनको कठिन लगता है, तो उनका योग कहना ठीक है। और तुम्हें तो सहज याद आनी चाहिए क्योंकि तुमको तो प्रैक्टिकल में साकार में बाप मिलता है, उन हठ योगियों सन्यासियों को तो मिलता ही नहीं है। तो वो हठ पूर्वक योग लगाते हैं और तुम सहज सहज याद करते हो। वो सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है, दुनिया भी सन्यासी भी ऐसे कहते हैं, और ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासी भी क्या कहते हैं, है? ब्रह्मा से योग लगाना। वो कहते ब्रह्म से योग लगाना और वो कहते ब्रह्मा से योग लगाना। अब ब्रह्म भी जड़ तत्व है जहां आत्माएं रहती हैं, और ब्रह्मा का बुद्ध रूपी पेट भी जड़त्वमय है, मनन चिंतन मंथन करने वाला नहीं है, तो वो उससे योग लगाते। तुमको तो योग लगाना है चैतन्य से, तुम्हारा कोई योग जड़ से नहीं है। अभी ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है, जहां आत्माएं रहती है तुम तो जिसे याद करते हो वो अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म और विस्तार, सबसे जास्ती विस्तार वाला कौन है, ब्रह्म तत्व। तुम्हारा घर ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट भी तुम्हारा घर है। सारी दुनिया की उत्पत्ति कहां से होती है, ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट से ही सारी दुनिया उत्पन्न होती। तो वो तो बहुत विशाल है, तुम तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उसको याद करते। जो सूक्ष्म होता है, जितना सूक्ष्म होता है उतना मनन चिंतनशील होता है। बाकी हाँ, मनन चिंतन तब करते हैं जब साकार में आते, नहीं तो शिव को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है ही नहीं, वो तो मन जड़ मन के चक्र में ही नहीं आता। बाकी हाँ, जैसे आकाश लंबा चौड़ा है वैसे ब्रह्म तत्व भी, आत्माओं के रहने का स्थान भी बहुत लंबा चौड़ा है, विशाल है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं वैसे यहाँ भी छोटे छोटे स्टार्स में सल आत्माएं हैं, और वो आसमान से भी पार हैं, जहां सूरज चांद का गम नहीं है। तुम देखते हो कितने छोटे छोटे रॉकेट्स हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, और वो आत्मा का ज्ञान तो सिवाय एक परमपिता परमात्मा के कोई दे ही नहीं सकता, वो एक भगवान ही दे सकता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते हैं। बल समझते हैं ब्रह्मपुत्र के बीच में चमकता है जब सितारा, कहते हैं गायन है,
आत्मा निवास करती है, परंतु उसका किसी को पता नहीं है कि इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा हुआ है। इसको कहते हैं कुदरत, और तो कुछ भी नहीं कह सकते। हम आत्मा में 84 का पार्ट सदैव चक्कर लगाता रहता है, और हर 5000 वर्ष के बाद ये आत्मा का पार्ट ये चक्र फिरता रहता है। ये ड्रामा मेनूज है, तो समझो ये दुनिया अविनाशी है, ये दुनिया का खेल भी अविनाशी है। दुनिया भी कब विनाश को नहीं पाती और ये दुनिया का खेल भी कब विनाश को नहीं पाता है, वो लोग दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय होती है, फिर कृष्ण अंगूठा चूसते हुए पीपल के पत्ते पर आया। शास्त्रों में ऐसे दिखाते हैं ना, परंतु ऐसे होता थोड़े ही है क्या कि सागर में पीपल के पत्ते की हल्की सी नवैया हो और उसमें कृष्ण बच्चा आराम से लेटा हुआ हो, अंगूठा चूस रहा हो। बल्कि पत्ते जैसी हल्की नवैया डूब नहीं जाएगी, ऐसे हो सकता है क्या? परंतु हद का अर्थ नहीं है, बेहद का अर्थ है। बड़ी प्रलय हो गई, इसका मतलब ये हुआ आप मुए मर गई दुनिया, सब खलास हो गए, सब मुर्दा हो गए। एक कृष्ण की आत्मा है जो ऐसे अनुभव करती है कि इस संसार रूपी सागर में, इस विषय सागर में कोई पीपल का पत्ता है, वो पीपल का पत्ता बहुत हल्का फुल्का है, इतना हल्का है कि माया का थोड़ा सा झोंका आता है तो पत्ता जोर से हिलता है, डोलता है, नहीं तो बरगद का पत्ता होता है, वो हवा के थोड़े झोंके से क्या हिलेगा डुलेगा? नहीं। कहां बरगद, जिसे कहते हैं वट वृक्ष, और फिर कहां पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता तो कितना डोलता है। तो दिखाते हैं कि बड़ी प्रलय हुई, उस प्रलय में पहले पीपल का पत्ता आधा, वो कौन हुआ है? ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो बच्चा है, जगदम्बा का क्या है, वो तो बच्चा है। वास्तव में पीपल का पत्ता है जगदम्बा, रुद्रमाला का लास्ट मणका, पहला मणका और फिर लास्ट मणका। पहला मणका कौन है? जगत पिता। और लास्ट मणका कौन है? जगदम्बा। तो उस जगदम्बा रूपी पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा विराजमान होती है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आया, और वो बच्चा आया तो इतना भाग्यशाली बच्चा है कि कितने भी माया के तूफान आवे, माता को हिलावे,
पीपल का पत्ता कितना भी हिलोरे ले फिर भी वो डूब नहीं सकता, इसलिए गायन है, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अभी भी जगदम्बा रूपी पीपल का पत्ता माया के झोंकों से खूब हिलोरे ले रहा है। दुनिया क्या समझती है, खास करके ब्राह्मणों की दुनिया समझती है कि पीपल का पत्ता डूबा की डूबा, लेकिन बाप कहते हैं कि नैया ऐसी दमदार है कि वो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये ड्रामा में नूंद है। पुष्कर नहीं ब्राह्मण है, पुष माने धक्का देकर कि किसी को चलाया जाता है तो कितना चलेगा, हाँ, लेकिन हिम्मत तो की है, तो हिम्मत है बच्चे मद दे बाप। तो महाप्रलय कब होती नहीं है, वो तो उन्होंने महाप्रलय दिखा दी है, लेकिन वास्तव में ये ड्रामा तो अविनाशी है। एक धर्म की स्थापना जरूर होती है और बाकी सब धर्मों का विनाश ये चलता ही रहता है। इस समय तुम जानते हो कि मुख्य तीन धर्म हैं जो सृष्टि पर मौजूद हैं। कौन कौन से तीन धर्म मौजूद हैं? इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। कितनी ढेर की ढेर तादाद में दिखाई पड़ते हैं, और देवी देवता सनातन धर्म दिखाई भी नहीं पड़ता प्रायः लोग पे। अब ये है कल्याणकारी संगम युग। इस कल्याणकारी संगम युग में जो बाद में आने वाले धर्म है मुख्य तीन, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन, सृष्टि के आदि में भी नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे। क्या रहेगा? आज सनातन देवी देवता धर्म जो भगवान आकर के स्थापन करते हैं वही रहेगा। बुद्धि से समझना चाहिए, पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। पुरानी दुनिया कौन बनाते हैं और नई दुनिया कौन बनाते हैं? नई दुनिया बाप बनाते हैं। नई दुनिया में स्वर्ग होता है ना, तो स्वर्ग बनाने वाला कौन होगा? जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला सदाशिव है वही नई दुनिया रूपी स्वर्ग बनाता है। नरक को क्या बताता है? नारायण बनाता है। तो नारायण स्वर्ग में होता है और नर मानो मनुष्य कहाँ होता है? नरक में होता है। नर नरक बनाता है तो उसे नरक की दुनिया मिलती है। शिव नरक को नारायण बनाता है तो नारायण को स्वर्ग की दुनिया मिलती है। आज पुरानी दुनिया, कल नई दुनिया थी। कल की दुनिया में क्या था और आज की दुनिया में क्या है और कल की दुनिया में क्या होने वाला है ये तुम जानते हो, समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म की स्थापना करते हैं। क्या मान लो कोई क्रिश्चियन धर्म का है, क्रिश्चियन धर्म का बीज हो, क्रिश्चियन धर्म की आधार मूर्त जड़ हो, क्रिश्चियन धर्म का पत्ता हो, तो कौन सी सेवा करेगा? भले भगवान आ जाते हैं समझाते हैं, भगवान आकर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं
फिर भी अगर क्रिश्चियन धर्म का बीज होगा या पत्ता होगा या जड़ होगा तो वो कैसी सेवा करेगा? सनातन धर्म की सेवा नहीं करेगा, क्या करेगा? अपने धर्म की ही स्थापना करेगा। और वो तो सिर्फ एक आती है, विधर्मी धर्मों की स्थापना करने वाले एक धर्म पिता पहले आते हैं। बहुत नहीं होते हैं, ऐसे नहीं कि आने से ही भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, नहीं। जब बहुत ढेर के ढेर हो जाते हैं तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। यहां भी क्या होता है सनातन धर्म में, है? जब ढेर के ढेर देवताएं हो जाते हैं तब भक्ति मार्ग शुरू होता है, थोड़े देवताएं होते हैं तो भक्ति मार्ग तो नहीं होता। तो बहुत जब ढेर होते हैं भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी बाप ने कहा है हियर नहीं बे, इन बहुतों की बात मत सुनो। बच्चों को समझाया है भक्ति मार्ग की बातें तुमको सुननी ही नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग एक के द्वारा स्थापन किया हुआ नहीं है, अनेक जब हो जाते हैं तब भक्ति मार्ग चलता है। एक के द्वारा ज्ञान मार्ग चलता है, जब भक्ति मार्ग चलता है तो कितनी ट्रां ट्रां करते रहते हैं, कितनी संस्कृति की होशियारी दिखाते हैं और ज्ञान उनमें रिंचक भी नहीं होता। जैसे कि उन्होंने कभी ज्ञान सुना ही नहीं है। बाकी भक्ति मार्ग में भक्ति भी गाई जाती है, ज्ञान भी गाया जाता है। ब्राह्मणों का ज्ञान दिन होता है, ज्ञान माने जानकारी, रोशनी। भक्ति माने रात, रात माने जहां ठोकरे खाते हैं, अंधेरा होता है। अभी तुम तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो तो जरूर ज्ञानी हो, और ब्राह्मणों की चोटी भी होनी चाहिए। क्यों क्यों होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में ब्राह्मण जो होते हैं वो चोटी क्यों रखाते हैं? है? चोटी रखाते हैं, क्यों रखाते हैं? किस बात की यादगार है? क्योंकि इस शरीर में सबसे ऊंचे से ऊंचा हिस्सा क्या है, ऊंचे से ऊंचा अंग कौन सा हुआ? चोटी। तो इस सृष्टि में भी सबसे ऊंचे से ऊंची स्टेज वाला जो हिस्सा है वो संगम युग है। संगम युग में तुम ब्राह्मण चोटी बनते हो, सबसे ऊंच बनते हो। देवताएं भी इतने ऊंचे नहीं होते जितने तुम ऊंच बनते हो। देवताएं ऊंच क्यों नहीं होते? इतने सुखी रहते हैं, फिर ऊंच क्यों नहीं होते? इसलिए ऊंच नहीं होते कि वो बाप को नहीं जानते, और तुम बाप को भी जानते हो। तो ब्राह्मणों की चोटी भी होनी चाहिए। हैं? तो ब्राह्मणों की चोटी अभी है कि नहीं है? है? बाबा कहते होनी चाहिए, है? नहीं है, नहीं है। अच्छा, दुर्योधन दुशासन होंगे इसके लिए चोटी नहीं है। शूद्र है तो चोटी नहीं है, फिर चोटी किसको है? ये सब कन्या माताएं जितनी भी हैं उनको सबको चोटी है। तो पक्के ब्राह्मण कौन हुए? कन्या माता है पक्के ब्राह्मण हो। तो जो ब्राह्मण पक्के हैं उनको फिर बाबा ने लकब दे दिया है कि तुम स्वर्ग के गेट खोलो। स्वर्ग के गेट कौन खोलेंगे? जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो खोलेंगे या कच्चे ब्राह्मण खोलेंगे? जो पक्के ब्राह्मण होंगे वो 16 कला संपूर्ण स्वर्ग का द्वार खोले।
बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं, क्या बाप कोई तकलीफ देते हैं क्या? कहते हैं अपन को आत्मा समझे मुझे याद करो, इसमें तकलीफ की क्या बात है? फिर तकलीफ कौन देता है? तो ब्राह्मण क्यों दुखी होते हैं? माया तकलीफ देती है। माया कोई ना कोई रूप धारण करके अड़चन बन के आ जाती है, विघ्न डालने के लिए आ जाती है। और हमको बाप की याद, कोई स्त्री का रूप धारण करके आएगी, कोई पुरुष का रूप धारण करके आएगी, कोई पदार्थ का रूप धारण करके आएगी। कितने आलतू फालतू संकल्प लाती है बाप। तो बच्चों को कब कोई तकलीफ देते ही नहीं है, मोस्ट बिलीवड बाप है। 84 जन्मों में इतना बिलीवड बाप मिलता ही नहीं जितना अभी संघ में ऊपर ये मोस्ट बिलीवड बाप तुमको मिला। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता हूं, क्या देता हूं? सदगति देता हूं। सत्य माने सच्ची गति, सच्ची गति। झूठी गति क्या होती है? किसको देता हूं सच्ची गति? आत्मा को सच्ची गति देता हूं। सच्ची गति क्या होती है? सत्य ऊपर होगा या नीचे होगा? सत्य ऊपर होगा और झूठ, झूठ नीचे होगा। कलयुग की दुनिया झूठ है तो कलयुग की दुनिया नीचे दिखाई जाती है और सत्य की दुनिया ऊपर दिखाई जाती है। तो मैं तुम्हारी सदगति करता हूं। सदगति करने का मतलब यह है तुम्हारी आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाता हूं। सदगति का मतलब सत्य गति, सच्ची गति। सत्य माने सच्चाई, सच्चाई का ज्ञान करा के तुम्हारी आत्मा को इस झूठ दुनिया से क्रॉस करके पार ले जाता हूं। सूरज चांद सितारों की दुनिया ये बनती और बिगड़ती, और मैं तुम्हें इस दुनिया से पार ले जाता हूं। तो सदगति देता हूं, दुख हरता हूं और सुख करता हूं। इस पुरानी दुनिया से पार ले जाता हूं तो दुख हरता हुआ, और फिर नई दुनिया में भेजता हूं तो सुख करता हूं। तो तुम याद भी मुझे एक को करते हो। भगवान भगवान कहते हैं तो एक भगवान को याद करते हैं या अनेक भगवान को याद करते हैं? फिर सर्वव्यापी क्यों कह देते हैं? हैं? नहीं, अगर सर्वव्यापी भी कह देते हैं तो सर्व में सच्चा और झूठा है या नहीं है? कोई भी प्राणी मात्र हो उसमें कुछ न कुछ सत्य है या नहीं है? और जो भी सत्य है वो किससे मिला? उसी सच्चिदानंद से मिला। वो सत्य चित्त आनंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। उसकी याद से ही सारी दुनिया सत्य बनती है, सुखदायी बनती है। हाँ, कोई आत्मा में वो सत्य, वो सच्चाई लंबे समय तक टिकी रहती है, और कोई में थोड़े समय। जिसने जितना याद किया, जिसने जितना संग किया, उतनी उसमें ताकत भरती है। कोई आत्माएं जो है जल्दी दुखदाई बन जाती है और कोई आत्माएं लंबे समय तक सुखदाई रहती है। जैसे अष्टदेव हैं तो उन्होंने जरूर जास्ती याद किया होगा, जास्ती याद किया होगा तो उनमें सच्चाई की शक्ति ज्यादा भरी है या कम भरी है? कम भरी है कि ज्यादा भरी है? कम भरी है। देवताओं में, हाँ, उन अष्टदेवों में जो धर्मराज की सजा भी नहीं खाते, तो उन्होंने सच्चाई की शक्ति कितनी भरी होगी?
इतनी भरी है कि अंतिम जन्म तक भी जो हीरो पार्टधारी है उसके साथ ही सहयोगी बनकर के रहते हैं, धोखा नहीं देते। और दूसरी आत्माएं धोखा दे जाती है कुछ कुछ, तो सत्य की शक्ति ज्यादा रहती है ना, वो याद के बल से रहती है, संग के बल से रहती है। यहां जितना जितना हम एक सत्य बाप का संग करेंगे बुद्धि से, उतना उतना हमारे अंदर शक्ति बढ़ती जाती है। और वो शक्ति ऐसे भी नहीं कि मनुष्यों में ही बढ़ती, जो भी मनुष्यों के संसर्ग संपर्क में आने वाले प्राणी मात्र हैं उनमें भी वो संग के रंग से, वाइब्रेशन से वो सत्य की शक्ति बढ़ती रहती है। तो तुम मुझे एक सत्य को याद करते हो, भक्ति मार्ग में क्या क्या कर दिया है, मुझे कितनी गालियां देते कि मैं सर्वव्यापी हूं, कंकड़ पत्थर में हूं, कहते हैं गॉड इज वन, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। जब गॉड वन है, गॉड एक ही है, तो एक के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा ना संसार में, सर्वव्यापी कैसे हो गया? गॉड भी एक है और सृष्टि का चक्कर भी एक ही है, इसी पृथ्वी पर ही ये सृष्टि का चक्र है। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग आवर्तन होते हैं, और कोई सितारे पर और कोई ग्रह उपग्रह पर ये चार युगों की सृष्टि का आवर्तन नहीं होता। पृथ्वी पर ही जीव जंतु रहते हैं, जैसे वो लोग समझते हैं कि और ग्रहों में भी दुनिया है। साइंस लोग भी आजकल क्या समझते हैं, साइंसदान भी समझते हैं और ग्रहों पर दुनिया है, तो वहां प्लाट खरीदने के लिए कोशिश करते रहते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, फिर वहां कुछ भी है ही नहीं, वहां जीवन ही नहीं है। जीवन कहाँ है? जीवन सिर्फ एक पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि जीवन पाने के लिए सूर्य से निश्चित दूरी चाहिए, थोड़ी भी दूरी कम हुई या ज्यादा हुई तो जीवन टिक नहीं सकता। इस पृथ्वी पर ही उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी तो गोल है ना, उसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और सूर्य सामने चमक रहा है, तो सामने जो हिस्सा पड़ता है पृथ्वी का वहां जीवन है, और उत्तरी ध्रुव पर जीवन है ही नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर भी जीवन है ही नहीं, वहां सदा बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। तो देखो, पृथ्वी पर ही थोड़ी सी दूर का अंतर पड़ गया तो जीवन नहीं है, फिर और सूर्य और सितारे वगैरह ग्रह उपग्रह तो कितनी दूर हैं और कितने नजदीक हैं, तो वहां जीवन होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। तो सृष्टि चक्र भी एक ही जगह घूमता है, एक ही ग्रह पर एक ही चक्र है सृष्टि का, ऐसे नहीं कि आकाश में कोई दुनियाएं हैं। आकाश में जड़ सितारे तो हैं, परंतु वो सूर्य से इतनी दूर हैं अथवा इतने पास हैं सूर्य के, तो मारी गर्मी के वहां कोई जीवन हो ही नहीं सकता, और दूर है तो मारी सर्दी के वहां कोई जीवन हो ही नहीं सकता। तो आकाश में ग्रह उपग्रह तो है, परंतु वह जड़ है, वहां कोई जीव जंतु नहीं हो सकता। आकाश में स्टार्स हैं, मनुष्य समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि चक्र है, नीचे भी दुनिया है। वास्तव में ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी लिख दिया है ना कि चंद्रमा पर देवताएं रहते हैं, और चंद्रमा पर तो मनुष्य जाकर के लौट आए वापस,
वहां कोई जीव जंतु है क्या? वहां उनको कोई भी जीव जंतु नहीं मिला, सभी जानते हैं कि ऊंचते ऊंचे भगवान भी एक ही है और सृष्टि भी एक ही है। श्लोक भी है, सारी सृष्टि की आत्माएं सूत्रधारी के रूप में पिरोई हुई है तुम्हारे में। तो ये जैसे एक माला हो जाती है, ये 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की माला है जो एक क्रम से आत्माएं नीचे इस सृष्टि पर उतरती है, जीवन धारण करती है, पार्ट बजाती है और उसी क्रम से फिर वापस परमधाम चली जाती है। तो एक प्रकार की माला हो गई, इसको बेहद की रुद्रमाला भी कह सकते हैं। बेहद की रुद्रमाला माने 500 करोड़ की रुद्रमाला, और हद की रुद्रमाला माने जिसकी गिनती की जा सके, जैसे सर के ऊपर रुद्रमाला दिखाते हैं 8 की रुद्रमाला, गले में रुद्रमाला दिखाते हैं 108 की रुद्रमाला। तो ये बेहद की रुद्रमाला है मनुष्य सृष्टि, सूत्र में बंधे हुए हैं। सूत्र माने कौन सा सूत्र? ये ज्ञान का सूत्र है और स्नेह का सूत्र है। जो भी आत्माएं हैं इस सृष्टि में वो सब उस माला रूपी संगठन के सूत्र में बंधी हुई है। सूत्र कौन सा बताया? दो धागे मिलाए जाते हैं, एक सूत बंध जाता है। एक है स्नेह का सूत्र और दूसरा है ज्ञान का सूत्र। एक है विजय माला स्नेह का सूत्र और एक है रुद्रमाला, कौन सा सूत्र? ज्ञान का सूत्र। इस सूत्र में बंधे हुए हैं, जैसे कि ये माला हो जाती है। गाते तो रहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी ये बातें कहते हैं सूत्रधारी, लेकिन समझते नहीं है कि सूत्रधारी कैसे है, कब है। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूं, ये भी समझाए। जिन्होंने कल्प पहले भक्ति की है और पहले पहले भक्ति की है वो ही ज्ञान में तीखे जावे। कल पहले जिन्होंने तीखी भक्ति नहीं की होगी वो इस कल्प में भी तीखी भक्ति करने वाले नहीं बने हैं, और इस कल्प में भी तीखी भक्ति करने वाले नहीं बने हैं तो संगम युग में जब बाप आते हैं तो ज्ञान भी तीखा नहीं उठाते। जिन्होंने कल्प पहले तीखी भक्ति की है वो इस कल्प में भी उन्होंने तीखी भक्ति की है, और अभी संगम युग में ज्ञान भी तीखा उठाते हैं। ज्ञान में जरूर तीखे जावेंगे। इससे क्या साबित होता है कि जो जो जितने जितने ज्ञान में तीखे जाते हैं उन्होंने जरूर तीखी अव्यभिचारी भक्ति की होगी। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। जास्ती माने ज्यादा भक्ति की है तो फल जास्ती मिलना चाहिए। क्या फल मिलेगा? ज्यादा भक्ति करने वालों को क्या फल मिलता है जास्ती? अभी तो बताया सुख शांति सतयुग में मिलेगी। अभी क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। जास्ती भक्ति की है तो जास्ती ज्ञान मिलता है। अव्यभिचारी भक्ति की है तो अव्यभिचारी ज्ञान उठाते हैं। अगर व्यभिचारी भक्ति की है तो ज्ञान भी कैसा उठाते हैं? विचारी ज्ञान उठाते हैं।
भल भगवान आकर के ज्ञान सुनाता है ये भी जान लेते हैं, एक भगवान ही ज्ञान सुनाता है, सच बताता है, लेकिन फिर भी औरों की बातों को विश्वास करने लग पड़ते हैं। कहते हैं ना भक्ति का फल भगवान देते हैं, वो तो है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसी को पता ही नहीं है। क्या है भक्ति का फल? भक्ति का फल है अज्ञान, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। अंधश्रद्धा अंधविश्वास से कोई काम करेगा तो दुखी होगा या सुखी होगा? दुखी होता जाता है। भक्ति का फल है ज्ञान या अज्ञान? भक्ति का फल क्या है? अज्ञान। और ज्ञान का फल है? ज्ञान का फल है ज्ञान, और ज्ञान ज्ञान का फल है सुख। इतना सुख मिलता है जितना और कोई धर्म वालों को सुख मिल ही नहीं सकता। तो देखो, ज्ञान से स्वर्ग का सुख मिलता है। ज्ञान एक से आता है, और एक से मिले हुए ज्ञान का फल मिलता है स्वर्ग का सुख, और अज्ञान से भक्ति से अज्ञान आता है। भक्ति अनेकों से आती है, उससे अज्ञानी बनते हैं। कोई कहेगा इस रास्ते पर जाओ, कोई कहेगा इस रास्ते पर जाओ, दूसरा कहेगा इस रास्ते पर जाओ, तो सब अलग अलग रास्ता बताते हैं, तो आदमी भटक जाएगा या ठिकाने पर पहुंचेगा, भटक जाता है। तो उसको कहते हैं अज्ञान, उससे जरूर दुख मिलेगा। तो भगवान फल देते हैं अर्थात स्वर्गवासी बनाते हैं, और भक्ति का फल मनुष्य गुरु देते हैं तो क्या बनाते हैं? नरकवासी बनाते हैं। तो देखो, स्वर्गवासी एक ही बाप बनाते हैं। कारण क्या? और दूसरे स्वर्गवासी क्यों नहीं बना सकते? हाँ, कोई भी सदैव स्वस्थिति में टिकते ही नहीं है, तो स्वर्गवासी बना ही नहीं सकते। सबको देहाभिमान आता है। क्यों आता है सबको देहाभिमान? क्योंकि सब आत्माएं जो भी जन्मण के चक्र में आने वाली है, सब शरीर धारण करती है, शरीर में ही बंद करके रहती है, तब पाट बजा सकती है। एक भगवान है जो शरीर के जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता है, इसलिए वो सदैव स्वस्थिति में रहने के कारण स्वर्गवासी बनाता है। रावण का भी किसी को पता नहीं। कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, लोग जानते हैं कि पुरानी चीज दुखदाई होती है और नई चीज सुखदाई होती है। पुराने मकान में दुख मिलता है या नए मकान में दुख मिलता है? मकान पुराना हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, दुख ही दुख देगा। और मकान नया होगा तो सुख देगा। ये दुनिया भी एक, ये सृष्टि भी एक प्रकार का मकान है, और इस सृष्टि मकान को कोई भी धर्म पिता आकर के नया नहीं बनाता है, एक भगवान ही है जो इस पुरानी दुनिया रूपी सृष्टि रूपी मकान को पुराने से बदल करके नया बना सकता है। कब से पुरानी है वो अभी कोई हिसाब नहीं लगा सकते। हिसाब नहीं जानते हैं तो कहते हैं लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। बाप आकर समझाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता कि लाखों वर्ष ये सृष्टि पुरानी हो, फिर तो कोई हिसाब भी नहीं बता पाएगा।
हिसाब न निकाल पाते हैं, इसलिए लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी बताई देते हैं। बाप तो बताते हैं कि देखो दुख की हिस्ट्री बनाई जाती है, मनुष्य जो हिस्ट्री सुनाते हैं वो दुख की दुनिया की हिस्ट्री सुनाते हैं या सुख की दुनिया की हिस्ट्री सुनाते हैं? क्यों? क्योंकि दुख में दिन गिने जाते हैं, दुख में एक एक दिन एक एक पल गुजारना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसकी हिस्ट्री याद रहती है। और सुख में टाइम ऐसे पास हो जाता है कि उसकी गिनती करने की दरकार रहती नहीं। तो मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों को जो हिस्ट्री मिली है वो कितने साल की मिली है? ज्यादा से ज्यादा 2500 साल की हिस्ट्री मिली है। 2500 साल से मनुष्य दिन गिनते आए हैं। किसी संबत गिन बनाई लिया, शक संबत बनाई दिया, बनाया ना? तो ये दिन गिनने का टाइम कब से शुरू हुआ? जब से दुनिया पुरानी दुखदाई बनना शुरू हुई तब से हिस्ट्री बनी है। तो दुख की दुनिया की हिस्ट्री मनुष्यों के पास है, सुख भी तो कभी रहा होगा। ऐसे होता है कि रात ही रात बनी रहे, रात होगी तो दिन भी होगा। दुख की दुनिया है तो कभी सुख की दुनिया भी रही होगी। तो सुख की दुनिया कौन बनाता है और दुख की दुनिया कौन बनाता है, ये भी बाप आकर समझाते हैं। वो बैठ मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज बताते हैं। क्या जो बताने वाला है वो कोई साकार होना चाहिए या सिर्फ निराकार शिव होना चाहिए? बताने के लिए तो मुख चाहिए। तो बताने वाला जो है वो तब कहा जाता है जब वो निराकार उस साकार में मनुष्य सृष्टि के हीरो पाठधारी में प्रवेश करे। वो मनुष्य सृष्टि का हीरो पाठधारी बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। क्या फल पहले होते हैं कि बीज पहले होता है? बीज पहले होता है। फूल पहले होते हैं या बीज पहले होता है? पत्ते पहले होते हैं या बीज पहले होते हैं? जड़े पहले होती है कि बीज पहले होता है? चाहे जड़े हो, चाहे तना हो, चाहे टहनिया हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फल हो, चाहे फूल हो, वो सब बाद में आते हैं। पहले बीज है। तो जब नई सृष्टि का आवर्तन होता है या होना होता है तो भगवान आकर के पहले पहले जो जानकारी देते हैं वो बीज की जानकारी देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि का ये बीज है और उस बीज की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते हैं। अगर बीज की हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चल जाए तो सारे वृक्ष की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता चल सकता है। तो वो बीज का विनाश नहीं होता है। क्या बीज के अलावा और जितने भी हैं वो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। एक बीज है जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाता है और सब आत्माएं कहां जाके बैठेंगी? शरीर छोड़ करके, पार्ट छोड़ करके परमधाम जाके बैठेंगी, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन एक बीज ऐसा है मनुष्य सृष्टि का बीज कि वो ऑलराउंड पार्ट बजाता है। वो ऊपर में है अर्थात ऊंची स्टेज में है, उसको उल्टा झाड़ कहते हैं। मनुष्य सृष्टि रूपी बीज जब भगवान आते हैं तो वो ऊंची स्टेज में है। वो बीज भी झाड़ जब उल्टा लटका हुआ है तो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? किस रूप में आता है? झाड़ उल्टा है, ऊपर जड़े हैं बीज है और नीचे टहनियां शाखाएं लटकी हुई हैं,
तो बीज ऊपर ही रहता है या कभी नीचे भी आता है? ऐसा तो नियम नहीं है कि कोई सदैव ऊपर ही ऊपर बना रहे। ऐसा नियम है कि सदैव कोई सुखी ही सुख में बना रहे? सुख होगा तो दुख भी होगा, और दुख होगा तो सुख। ये हो सकता है कोई आत्मा के जीवन में सुख ज्यादा रहे और कोई आत्मा के जीवन में दुख ज्यादा रहे। तो जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, वो कभी नीचे आता है या नहीं आता है? किस रूप में? हाँ, फूल के रूप में। पहले जब फ्रेश वृक्ष पूरा नीचे बढ़ जाता है तो उसमें से फूल निकलता है, बौर निकलता है, फिर वो फूल फल बन जाता है और फल के अंदर बीज होता है। वो बीज पहले पहले उस फल से कनेक्टेड होता है, अटैचमेंट में होता है। जब फल पक जाता है अच्छी तरह से तो बीज फल से अलग हो जाता है, रहता फल के अंदर ही है। फल के अंदर रहते हुए भी क्या होता है? डिटैच हो जाता है। तो ये गति है कि वो मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो पहले पहले सारे वृक्ष से अपना अटैचमेंट तोड़ देता है, फल से ही अटैचमेंट तोड़ता है या टहनियों से पत्तों से भी अटैचमेंट तोड़ देता है? अरे वृक्ष पूरा नहीं बढ़ गया, उल्टा वृक्ष अटका हुआ है, पूरा वृक्ष बढ़ गया, समझने के लिए उसे सीधा समझ लो। पूरा वृक्ष जब बढ़ गया और उसमें फल आने शुरू हुए तो कोई पहला पहला फल आता है कि नहीं आता है? जो भी खेती की जाती है या जो भी बाग लगाया जाता है तो उसमें जो पहला बीज है, पहला फल है, उसका बीज बोना अच्छा समझते हैं। तो जो फल है उसके अंदर जो बीज है पहले कनेक्ट था, जुड़ा हुआ था फल से, वृक्ष से जुड़ा हुआ था, और बाद में फल पक जाने के बाद वो डिटैच हो जाता है, अटैचमेंट में तो नहीं रहता, लगाव में तो नहीं रहता, तो वो डिटैच हो जाता है। वो सिर्फ फल से ही डिटैच होता है या फूलों से, टहनियों से, तनों से, जड़ों से, इनसे भी डिटैच हो जाता है, सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है या सिर्फ फल से ही डिटैच होता है? डिटैच माने अलग होना। क्या होता है? वृक्ष में जो बीज है फल के अंदर पहले अटैचमेंट में था, जब तक फल कच्चा है, जब फल पक गया तो बीज जो है वो फल से डिटैच हो जाता है। तो सिर्फ फल से ही डिटैच होता है या सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है? सारे वृक्ष से उसका कनेक्शन बल वृक्ष के अंदर ही है, फल के अंदर ही है, फिर भी उसका लगाव वृक्ष में नहीं रहता। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। जो हीरो पार्टधारी बीज है मनुष्य सृष्टि का, उसकी भी यही गति है, वो पहले पहले डिटैच होता है। बीज को बाद में बनाते हैं? बनता नहीं है, वो अनादि अविनाशी बीज है, लेकिन मर्ज हो जाता है। बीज जो है वो सारे वृक्ष में मर्ज होकर के रहता है। बीज अगर कड़ुआ है तो पत्ते भी कड़ुए और जड़ भी कड़ुई, और जो फल आता है वो भी कड़ुआ या खट्टा या मीठा होता है, लेकिन जब पक जाता है फल तो फल मीठा होता है, और वो बीज कड़ुआ वो फिर अपना स्वरूप पकड़ करके ज्यों का त्यों रहता है। नीम का बीज मीठा है? नीम का बीज भी कड़ुआ होता है, लेकिन उसका फल पकने के बाद मीठा हो जाता है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो बीज है, जो हीरो पार्टधारी है, उसकी भी यही गति है।
तो बोला इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष को उल्टा झाड़ कहा जाता है। इसमें बाप ऊपर में है, बाप माने आत्माओं का बाप शिव भी ऊपर है, और जब संगम युग में वो आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर आता है, नई सृष्टि बनाता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी बाप भी ऊपर ऊंची स्टेज में कार्य करता है। जितनी ऊंची स्टेज में वो सेवा करता है, इतनी ऊंची स्टेज में कार्य करने वाला और कोई नहीं होता है। बाप ऊपर में, आत्माएं और जो आत्माएं हैं वो बाप को ऊपर देख करके बुलाती है। मंगलदेवी वाले बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? मंगलदेवी वाले, इनका तो नाम ही है मंगलदेवी, मंगलदाई, मंगल देने वाले हैं, और बुलाना तो भक्ति मार्ग की बात है, हैं? बुलाना करना ये भक्ति मार्ग में होता है या ज्ञान मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में होता है। ये तो बुलाना करना तो अच्छी बात नहीं हुई, हैं? फिर क्यों बुलाते हैं? भक्ति मार्ग का अभक्ति माने अज्ञान, अज्ञान का जब तक भी अंश मात्र है आत्मा में तो भगवान को क्या करेगी? बुलाएगी। और जब अज्ञान का अंश मात्र भी खत्म हो जाए, क्या भक्ति का अंश ही खत्म हो जाए, तो फिर बुलाने की दरकार नहीं रहेगी। तो बोला आत्माएं बाप को ऊपर में देख करके बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्यों बुलाती है? इसलिए बुलाती है कि ऐसी ऊंची स्टेज में मेरे को भी नीचे आकर ले जाए। ऊपर हम तो चढ़ नहीं पा रहे हैं, हम नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो हमारी तो मजबूरी है। तू तो नीचे आ सकता है, दुबक लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? तो तू नीचे आ सकता है तो तू आ जा, और मेरे को भी ऊपर ऊपर ले जा। कोई कोई तैरने वाले ऐसे होते हैं होशियार, वो डुबक लगाते हैं और जो डूब गया है उसको भी पकड़ करके ऊपर ले आते हैं। फिर कोई डूबने वाले ऐसे भी होते हैं, इतने पावरफुल भारी देह अभिमानी सांड है, जो जो बचाने वाला है उसको बोलते दिला देते हैं। ऐसे होता है ना? तो जो ऊपर में बीज है उस बीज को नीचे बुलाते हैं, बाप को ऊपर से देख करके बुलाते हैं। अब शरीर तो नहीं बुला सकता, है? बुलाने वाले हाँ, आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। आत्मा अविनाशी, वो अविनाशी आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। छोटी हो जाए बड़ी हो जाए ऐसा आत्मा होती है क्या? नहीं, आत्मा तो अविनाशी है, जैसी है वैसी ही है, और आत्मा कभी मृत्यु को भी नहीं पाती है। मृत्यु को कौन पाता है? शरीर मृत्यु को पाता है। तो ये खेल बना हुआ है। क्या खेल बना हुआ है? कि आत्माएं ऊपर से नीचे आकर के खेल करती है। कोई भी आत्मा हो, खेल सब करती है। सुप्रीम सोल आकर खेल करता है कि नहीं है? सुप्रीम सोल भी खेल करता है। जो हीरो पार्टधारी परमात्मा है वो भी इस सृष्टि पर आकर खेल करता है या नहीं करता है? है? वो भी खेल करता है। या जो भी आत्माएं मात्र हैं वो सब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊपर से नीचे उतर करके खेल करती है। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, एक कपड़ा बदलती हूं और दूसरा कपड़ा धारण करती हूं। खेल करती रहती है,
सारे खेल के आधिपत्यंत का राज भी बाप ने बताया है। एक एक आत्मा का अलग अलग नहीं बताते, क्या बताते हैं? सारे खेल का आदि मध्य अंत बाप आकर बताए देते हैं। और बाप बताते हैं तो बता करके आस्तिक बना देते हैं। आस्तिक माने आस्था रखने वाला, आस्तिक माने आस्था रखने वाला, विश्वास रखने वाला, निश्चय रखने वाला। किसके ऊपर विश्वास और आस्था रखेंगे? जानकारी होगी, पहचान होगी तो आस्था रखेंगे, कि जानकारी नहीं है, पहचान ही नहीं है तो आस्था रखेंगे? हम आपको जानते ही नहीं, कभी हमने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो हम आपके ऊपर निश्चय विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपके लिए हम नास्तिक हुए कि आस्तिक हुए? नास्तिक ही कहेंगे ना। तो आस्तिक वो है जो बाप को जानते हैं। अगर जाने नहीं तो आस्तिक नहीं कहे जा सकते। सारी दुनिया जो भक्ति मार्ग में चलती है वो बाप को जानती है क्या? है? जानती है? कोई नहीं जानते। बाप का असली रूप क्या? कह देंगे सर्वव्यापी। तो अनेक रूप हो गए या एक रूप हुआ? फिर आस्तिक कैसे? सब नास्तिक है। बाप आकर के नास्तिकों को आस्तिक बनाते हैं।